संबंध प्रोग्राम अज मना रहे हैं सरकार दिदत है भी साहब जी शहीदी दिहाड़े जो स्कूलों से मनाए जाने क्योंकि स्कूल लास्ट डे है कल तो छुट्टियां हो जाएगी इस करके आप अज ये मना रहे हैं जिम्मे पहला भी गल की आ छे सत्त दिन गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार से शहीद हो गया से उन्होंने देश तो वारता से धर्म को बचाने लिए सारे परिवार की कुर्बानी देती थी उस 21 तरीक न 21 दसंबर में भी 21 दरमैनी रात को आनंदपुर साहब का किला छड़दे तो उस तो बाद वो आ जाते सरसर नदी के किनारे तो उस शाम उत्थे आके शाम उत्थे बतीत करते हैं पर सुबह जो होंगी 2-3 बजे तड़के उन्होंने हमला हो जाता है फिर वो सरसर नदी को पार करते हैं पार करने की कोशिश के कुछ सिंह बहुत सारा सहत सरमाया पैसा वो सारा कुछ नदी च रुड़ जाता तो थोड़े ही बंदे नदी पार करके गुरु साहब के नाल नदी के दूजे पास जाते हैं इस अफड़ा दफड़ी जो परिवार होंगे विछड़ जाता उन्होंने तो तीन धड़े परिवार वंडिया जाता एक पास माता गुजरी के छोटे साहबजादे चले जाते हैं दूसरे पास गुरु गोबिंद सिंह जी वे साहबजादे से 40 सिंह उन्होंने नाल होंगे वो एक पास चले जाते हैं जेडे गुरु साहब दाइफ्स जे जिन्होंने गुरु के महल कहने आप एक पास भाई मनी सिंह के नाल चले जाते हैं अगर दिल्ली वाल निकल जाते हैं इस परिवार विछोड़े तो बाद बहुत सारी घटनावान वापरदिया भी छोटे साहबजादे है जो गिरफ्तार करवा देता गंगू वो गंगू के कोले चले जाते हैं क्योंकि वह कहें मैं घर रखूँगा तुम पनाह देगा तो रात को पैसे के लालच जाके उन्होंने गिरफ्तार करवा दिता है तो उस तो बाद मरिंडे ले जाया जाता है फिर सरहद पेश किया जाता है तो उस समय सूबा सरहद जोड़ा हों वजीर खान वो कचहरी के 2-3 दिन उन्होंने पेश किया जाता है तो उस बाद क्या कहते बागी है तो बागी के पुत्र बागी बन गए इस करके क्यों ना आपत की सज़ा दे उस टाइम जो काजी होंगे उन्होंने मौत की सज़ा तय करता भी कंधा में चना के नीह चना के शहीद किया जाए उन्होंने नीह चना दिता जाता है उदू बाद शहीद नहीं होंगे फिर दो जलाल होंगे शाशन खान से बाशन खान उन्होंने गला वढ़ के दोवों का उन्होंने शहीद कर देंगे बड़े साहबजादे जो गुरु साहब चमकौर की कड़ी चले जाते उ बहुत भयानक जंग होंगी पूरा एक दिन जंग चलती है तो उस जंग के बड़े साहबजादे जोड़े वो शहीद हो जाते हैं उस तो बाद गुरु साहब चमकौर की कड़ी छड़ के माछीवाड़े आ जाते हैं तो होर जंगलों में भी पेंड झांकते हुए दीने कांगड़ चले जाते हैं इतने आके वो जिन्होंने अभी जफरनामा कहने एक चिट्ठी लिखते हैं औरंगजेब को उसका सारा जो वरतांत बयान करते कि छोटे छोटे बच्चे जुलम किया कि झूठिया सवा खा के मैं किला छड़ने मजबूर किया वो चिट्ठी जो औरंगजेब को मिलती है उन्होंने बहुत पछतावा होंगे भी मेरा नाम वरत के वजीर खान ने किस तरह बच्चे जुलम किया छोटे बच्चों को कितनी भयानक सज़ा दी है तो उस तो बाद गुरु साहब को सुनेहा भेज दो भी एक चिट्ठी भेज दो मैं मिलने लिए आओ इधर तो गुरु साहब उन्होंने मिलने लिए जाते हैं पर गुरु साहब रस्ते में ही होंगे भी औरंगजेब की मौत हो जाती है उस तो बाद मुंडे होंगे जो औरंगजेब के उन्होंने आपस में कुर्सी लैके तख्त को लैके आपस में जंग हो जाता तो एक धड़े की गुरु साहब मदद करते हैं तो बाद चुन मिलने लिए गुरु साहब उत्थे आगरे जाते भी है फिर दक्षण वाल नंदेड़ चले जाते हैं तो नंदेड़ ही गुरु साहब जख्मी हो जाते उसके बाद स्वर्गवास हो जाते हैं पर यह जो 7 दिन है उन्होंने परिवार लिए बहुत ही भयानक थे इन 7 दिनों के गुरु साहब का सारा परिवार शहीद हो गया तो इस करके सरकार वालों सोगमई प्रोग्राम इस दिन करने की तजवीज आप भी एक प्रोग्राम रखेंगे उन्होंने शहीदी को आप समर्पित गीत स्किटा पेश करा तो इस तो बाद का प्रोग्राम जो गुरप्रीत दसोगे वासियों अंतिम संदेश हिंदवासी और
रखना याद सानू कि दिलों तो ना भुला जाना खातर वतन भी लगे हाँ चढ़न फांसी सानू देख के नहीं घबरा जाना साढ़े मौत दे वतन दे वासियां दे दिली वतन दा इश्क जगा जाना देशवासी चमकना चन्न वांगू किते बदला हेठ ना आ जाना करके देश दे नाल तरो यारो दाग कौम दे मथे ना ला जाना मुला से है जिला है काज वतन सेवकां दे दाखल हो के डिग्रियां पा जाना हुंदे फेल बहुते ते पास थोड़े वतन वासी दिल ना टा जाना प्यारे वीर न चले हाँ असी जिते इस रास्ते तुसी भी आ जाना प्यारे वीर न चले हाँ असी जिते इस रास्ते तुसी भी आ जाना मैं तो सामने एक गीत पेश कर जा रही हूँ बिला आ गया है दादी जुदाई दा असाज मुड़ के आना नहीं तैनू दसी है कि वे की होना है तेरी अखियां नू असीरा लाना नहीं पुत्र भी चढ़िया तुसी भी चले निर्दयां दे हक जड़ चले मैं भी टाटे मगरे आवां बस हुण मैं भी सच खंड जावां बेला ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਗੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਵਸਤਰ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੱਗ ਸੇਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣੀ ਤਾਂ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ
गुरु साहब भट्ठे से जाते हैं तो कहते भट्ठा उन्होंने घोड़े उत्थे पैर लाने ठंडा हो जाए नारायण खां पता लगता है जख्मी हो जाता इस जंग च सत्संग जगा रहे तो उन्होंने चक के लेके जा रहे होंगे गुरु साहब क्योंकि जख्म डूंगे होंगे तो उन्होंने कोटा नारायण खां के घर लेके जाते हैं उन्होंने कहते भी असं इतने रहना जगह ना रुकना ही है क्योंकि साढ़े मगर मुगल फौज आ रही है तो असं सिर्फ इतने कुछ टाइम लिए आराम करना तो वह जो सिंह है उन्होंने इतने छड के जाना ताकि तुम सेवा कर सको तो वह बचित्र सिंह उन्होंने घर छड़ देंगे तुरंत ही फौज क्योंकि लभ रही होंगी है मगर मगर जा रहे होंगे फौजी तो तुरंत ही लभते लभती फौज उत्थे पहुँच जाती है नारायण खां के घर चले जाते हैं गुरु साहब तो दूसरे दरवाजे में निकल जाते सारे सिंह अगे गाले पाल अगे जंगल होंगे पर वो फौज के घर जाकर उन्होंने तलाशी लेनी है तेरी वो तलाशी लैन लगते हैं तो उस तो पहले ही उन्होंने पता लग गया फौज आ गई है नारायण खां तो आपकी लड़की होंगी और नाम का मुमताज वो मुमताज को कहता भी जोड़ा जख्मी सिंह है घर फिर कमरे में ले जाओ तो मलम पट्टी करो अंदर जाके तो मैं फौजिया रोकदा जो फौजी के बाहर जाते क्या तलाशी लेनी है वो कहना लै लो मेरे घर गुरु गोबिंद सिंह नहीं है वो आए जरूर सिंह इतों चले गए जो ही फौज के घर तलाशी लैन लगती है तो एक कमरे की लड़की मुमताज मलम पट्टी कर रही है चित्र सिंह ज्यादा जख्मी होंगे भी होशी की हालत की होंगे वो जो तलाशी लैन लगे तो घर जाते हैं सारे कमरे फरोजते हैं बहुत वही हवेली से मेरी जो समायदार बंदा से एक कमरे को बाहरों आग लगी होंगी है वो कहते भी आग खोल कहते भी आ कुंडा खोलो इतने तलाशी लैनी है तो कोटला जरा नहंग खां नाम का आदमी होंगे कोटला वह कामबाई का किला से उत्थे वह कहते इतना मेरे लड़की तो वह हसबेंड यानी आराम कर रहे हैं मुसलमान शरीयत मुताबिक इतने लड़की के हसबेंड का आराम कर रहे हैं उस कमरे को खोलिया नहीं जाता तलाशी नहीं ली जाती फौजी वापस चले जाते हैं तो वो जी लड़की होंगी मुमताज उस बाद कमरे को खोलते तो जिहड़ा बचित्र सिंह का शहीद हो चुका होंगे तो जिहड़ी लड़की होंगी मुमताज वो पिता को कहती तुम उन्होंने ये गल कहती सी मेरी लड़की जो हसबेंड आराम कर रहे हैं भी हम मेरा मैं रब अलू पति मान लिया तो हम मैं विह नहीं कराऊंगा तो देखो भी उसने सिर्फ इस आपके प्यो की इन गल कहते उन्हें सारी उम्र विह नहीं कराया तो तुम इस एरिए कहीं जाओगे रोपड़ तो 30 किलोमीटर पर चढ़ते वल को देखो तो गुरद्वारा बनाया मुमताज का गुरद्वारा फिर उन्हें सारी उम्र उत्थे रह के लोग सेवा की उन्हें विह नहीं कराया यानी ये करैक्टर से उस समय के लोगों गुरु साहब उस तो बाद आ जाते हैं चमकौर साहब गढ़ी च आ जाते हैं तो चमकौर साहब जी गढ़ी के दो भरावान की होंगी है तो उन्होंने गुरु साहब मंगते हैं गढ़ी के गाय भी लेंगे उन्होंने एक भरा सहमत हो जाता तो गुरु साहब को गढ़ी दे देंगे उस तो बाद क्योंकि रात में आए होंगे फौज मगरी उन्होंने गढ़ी च आ जाती है तो एक दिन पूरा जंग भयानक जंग होंगे गुरु साहब क्योंकि जंग के पक्ष तो बहुत ही जाणू से उन्होंने 16-17 लड़ाइया लड़िया से 6-7 दिन आनंदपुर साहब से हमला होया वो ऐसा नवयौतबंदी करते भी पूरा दिन है जोड़ा क्योंकि दूजे पास कट्ट 10,000 फौज सी 5,000 फौज तो सरहद की सी 5,000 फौज सी मलेरकोटले की बिकॉज पहाड़ी राजा की फौज भी नाल सी 10 to 15,000 बंदा सी तो दूजे पास सिर्फ 43 सिंह ही होंगे गुरु साहब होंगे 2 साहबजादे 40 जने होर नाल होंगे गुरु साहब के फिर पूरी नवयौतबंदी कर रहे पूरा दिन किए लगाई है इतों फिर वो की करते हैं चार सिंह बाहर कढ़ते हैं जो थोड़ा दिन चढ़ने लड़ाई शुरू हो चार सिंह बाहर कढ़ते हैं दरवाजा बंद कर लेंगे वो चार जने जंग जाके लड़ते हैं शहीद हो जाते हैं उस टाइम शांति रही है उस बाद फिर वो चार बंद बाहर कढ़ते हैं फिर वो चार जाके लड़ते हैं इस तरह करते करते पहला वड्डे साहबजादे से जो अजीत सिंह उन्होंने बाहर कढ़ते हैं एक सिंह की गोली के नाल भेजते हैं छोटे साहबजादा जोड़ा हजार सिंह उन्होंने भेज भी शहीद हो जाते हैं इस तरह करते करते दिन छिप जाते हैं दिन छिपता जो उस टाइम गुरु साहब को 6 या 7 सिंह रह गए होंगे तो गुरु साहब आप आते हैं उन्होंने 5 सिंह गुरु साहब अगर पेश होंगे तुम गढ़ी में छक के चले जाओ तुम सिख धर्म को बचा सकते हो तुम होर सिंह भी पैदा कर सकते हैं पर असं रल के गुरु पैदा नहीं कर सकते तो फिर 5 प्यारे जो हुक्म करते हैं तो गुरु साहब उन्होंने हुक्म मान के गढ़ी रात को छकने का फैसला करते हैं तो 2-3 बजे गढ़ी में एक पास से उतरते उस पहला की होंगे भी तो फौज बहुत ज्यादा होंगी उन्होंने पता उन्होंने बंदे थोड़े है तो थके भी है भुखे भी सके
करते गढ़ी पौड़ी ला के उपर चढ़ने की कोशिश करते नवाब रेम जो भरा हों नाज खान उस टाइम जरनैल होंगे जी फौज का वह कहना मैं चढ़ना उपर पौड़ी ला के कंध से मैं वेखदा भी अंदर कितने कितने सिंह खड़े आते मैं उन्होंने पोजिशन हम दसदा फिर आप मार लाँगे थोड़ी बंदे ज्यों ही उपर चढ़ता गुरु साहब सिंह का कहते तुम पै जाओ आराम कर लो सौ जाओ थके वे चढ़ के देख लगता गढ़ी के एक पास चढ़ता कंधों की पौड़ी ला के कह झाती मार लगता कितने खड़े है कौन खड़े तो गुरु साहब एक तीर मारते धोन वाइज निकल जाते वह थले डिग पा एक होर बंदा जो मेरा भरा हों मलेरकोटले का वह भी उपर चढ़ता फिर आपके भरा दे शहीदी तो बाद गुरु साहब वो भी सिर च तीर मारते फिर वो डरते नेड़े नहीं जाते दूर होकर सारी फौज बह जाती है दो तीन बजे गुरु साहब छड के जाते हैं आपके सिंघा के पांच प्यार के हुक्मनामे से भी मैं किला छड रहा पर गुरु साहब कहते मैं चुप चाप नहीं जाना ये कहे चुप चाप निकल गया तो गुरु साहब की करते जो किले चो बहर आते गढ़ी चो बहर आते बहर आकर ताड़ी मार के उची उची कहते हैं भी हिंदुस्तान का बादशाह चलिया ज हिंदुस्तान का पीर चलिया आए जो रोक सकते तो रोको उत्थे जाओगे सुल्तानपुर उत्थे चमकौर साहब तो उत्थे ताड़ी साहब गुरद्वारा भी बनया हुआ जिहड़ा इस शहीदी जिहड़ा गुरद्वारा तो थोड़ी दूरी पर बनया हुआ उस तो बाद गुरु साहब आ जाते हैं माछी वाले फिर इतों दी हुंदे होए लंबे जटपुरे वालों आके तो दीने कांगड़ चले जाते उत्थे रहिंदे गुरु साहब तीन चार महीने उस तो बाद गुरु साहब मुकसर वाल चले जाते हैं तो मुकसर फिर लड़ाई होंगी है मुगल फौजियां लंबदियां लंबदियां मुकसर साहब आ जाती है मगर टिब्बे से गुरु साहब का कब्जा होंगे नेड़े तेड़े पानी का प्रबंध नहीं होंगे तो उत्थे वो फौजा आ जाए तो उत्थे तकड़ी लड़ाई होंगी है जो गुरु साहब किले च होंगे घेरा पिया वा हों सत अठ महीने घेरा पिया रहा राशन मुक्की जाता तो उदो महा सिंह नाम का एक आदमी होंगे अमृतसर साइड का तो थोड़े वो नाल के बंदे भी तंग आए थे तो भी तो गुरु साहब वो कहते थे भी इसने किला छड के जाना है गुरु साहब उन्होंने कहते नहीं रुको थोड़ी मदद की लड़ है वह कहते नहीं अभी तो जाने ही है तो गुरु साहब उन्होंने कहते जब लिख के दे जा भी तू जाने ही है वो फिर लिख के दे आए गुरु साहब ने तू सा गुरु नहीं तो असी थोड़े सिंह नहीं गए उन्होंने बेदावा कहते हैं तो जो मुकसर की उत्थे लड़ाई होंगी है उत्थे आके वो सिंह मुड़ के उन्होंने जो घर चले तो उन्होंने जोड़िया घरवाली होंगे आसे पास गुआढ़ी होंगे उन्होंने कहते चूड़िया पा लो तुम क्यों छड़ गया गुरु साहब उस लड़ना चाहिए सी तो माता भाग कौर होंगी एक वो वाइफ होंगी है वह भी वो उन्होंने लैके आते जथे तैयार करके यानी गुरु साहब लभदे लभदे उत्थे चले जाते हैं उत्थे फिर वो चाली सिंह मूहरे होकर लड़ते हैं चाली जने आए होंगे जिन्हों अभी ता ही मुकसर उसका नाम पिया पहला ना से खदराने की ढाब तो उत्थे बदावा पाड़न की घटना जी आती है वो गुरु साहब के कोल ही वो लिखित जी उन्होंने सिंह ने की जंग बहुत सारे सिंह शहीद हो जाते शाम की वेला हो जाता मुगल फौजा पानी नहीं मिलता कितों नेड़े क्योंकि पानी तो गुरु साहब का कब्जा से फिर वापस चले जाते हैं तो गुरु साहब नेरे हुए आपके सिंह देखते भी कि शहीद हो गए संस्कार करते लाशों का चक्के तो उदों जो जंग के मैदान देख रहे होंगे भी कि सिंह शहीद हो गए तो एक थान एक आदमी होंगे यानी वो गुरु साहब आवाज़ दे रहा होंगे तो ज्यौदा होंगे जख्मी होंगे पर ज्यौदा होंगे गुरु साहब नेड़े जाके चकते हैं उन्होंने वह सैर आपके पाटा से रखते हैं उन्होंने नेड़े होकर देखते हैं वो नेरा हो चुका है तो महान सिंह होंगे जोड़ा बेदावा लिख के दे के आया इस गुरु साहब फिर वो उत्थे गुरु साहब कहते हैं वो गुरु साहब कहते मंग की मंगना भी तू मेरे लिए इतने आगे लड़िया हजार बंदे डेढ़ बंदा भी लैके आया गुरु वो कहता भी जो मैं बदावा लैके आया से पाड़ दो तो गुरु साहब ने बदावा उत्थे पाड़ता उन्होंने टुट्टी गंढी साहब गुरुद्वारे का नाम उत्थे गुरु साहब ने उसकी टुट्टी जी गंढी गई उस तो बाद गुरु साहब आ जाते हैं तलवंडी साबो उत्थे पांच छह महीने रेंदे हैं गुरु ग्रंथ साहब दे कॉपियां करवाउंदे गुरु ग्रंथ साहब दी हथ लिखता होर लिखते हैं ता कि जे मैं पिछे नुकसान हो गए सरसा दे नदी च रुड़ गया सीगा कुछ सहित भी अगे भी गुरु साहब दी कॉपियां जिहड़ियां उह गुरु ग्रंथ साहब दे अपने कोल रहण पांच छह महीने उत्थे ला के उत्थे मातावां जिहड़ियां दिल्ली चलिया गई होंदियां सरसा नदी के किनारे ते विछोड़ा पैण तों बाद गुरु के महल उत्थे आके मिलदे आ उत्थे आके माता जी तों पुछदे आ गुरु साहब नूं साहिबजादे कित्थे आ तो वह कहते तो सारे शहीद हो गए जंग च फिर उस तो बाद गुरु साहब को वह पत्र मिलता औरंगजेब का तो गुरु साहब राजस्थान के होंगे हुए दक्षण वालू चले जाते दिल्ली पहुँचना उन्होंने आगरे इधर के होंगे हुए
पर जो राजस्थान के आधे च ही होंगे उत्थे उन्होंने एक होर चिट्ठी मिलती है अकबर है जरा औरंगजेब है सॉरी वो मौत हो गई है तो वह जोड़े पुत्र होंगे वह आपस में बहादुर शाह हों एक होर कोई नाम असं वापस तेरे मगर मगर आने कि उन्होंने तेज घोड़सवार होंगे कि इन्होंने ले जाओ आगरे को जंग होंगी है तो जो औरंगजेब का वड्डा पुत्र होंगे उन्होंने गुरु साहब आप जंग तीर मार के मारते हैं तो जो छोटा पुत्र होंगे बहादुर शाह गद्दी दिल्ली की गद्दी बख्श देंगे उस तो बाद ही उन्होंने गुरु साहब आगरे को होंगे हुए दखन बहरानपुर जाके फिर नदेड़ चले जाते नदेड़ जाके गुरु साहब बंदा बहादुर मिलते हैं पहला बहादुर शाह कहते हैं भी जरा सरहद का नवाब है वजीर खान मैंने सौंप दे इन्हें बहुत जुल्म किए साढ़े से पर राजा जो उस टाइम कतराऊ का होंगे क्योंकि नवाब आप बहुत स्ट्रोंग होंगे बहुत फौज होंगी फिर लाहौर की फौज भी वो होंगी है मलेरकोटले की फौज भी वो होंगी इस करके बहादुर शाह यह सोचता कि बगावत ना हो जाए वो गुरु साहब को कहना मैं तो नहीं जा सकता ना मैं गिरफ्तार कर सकता तुम आपके बंदे भेज के उन्होंने गिरफ्तार कर लो जी कर सकते फिर गुरु साहब बंदा बहादुर भेज दिया उतो बंदा बहादुर पहला तो उन्होंने घर ही जाता जेडे शाशल बेग के बादशाह बेग ने शहीद किया साहबजादों उन्होंने आगे हमला करता समाणे उन्होंने उन्होंने घर घर ढा दिता इन्हें पिंड में ही आट दिता बंदा बहादुर फिर उस तो बाद अगे वाधा जाता Thank you.